हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम ओ लेवल के सिलेबस को कवर करते जा रहे हैं और प्रीवियस की क्लासेस में हमने चैप्टर सेकंड के बहुत से एग्जांपल्स करके देखे हैं, जिसमें कि हमने एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स किसी प्रॉब्लम के लिए बनाना सीखा है। आज भी हम किसी एक एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे जिसपे कि हम एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट को बनाने के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो आज हम जिस प्रोग्राम को लेकर चलेंगे वो है हमारा रिवर्सिंग डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स यानी कोई भी आपने नंबर दिया है उसका रिवर्स होके हमें रिजल्ट मिल जाए। यानी आपने इनपुट क्या करवाया अपने प्रोग्राम के थ्रू, 1, 2, 3, और आपको रिजल्ट में क्या मिल रहा है, 3, 2, 1। तो ये क्या हो रहा है, रिवर्स होके मिल रहा है आपको आपका जो भी आउटपुट था। आपने इनपुट तो कराया 1, 2, 3 और रिवर्स में मिल रहा है आपको 3, 2, 1। इसी तरह आपने इनपुट कराया 2, 3, 2, 4, 3, 9 और रिवर्स में आपको मिल रहा है 9, 3, 4, 2। यानी एक ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए अब आपके सामने प्रॉब्लम आई है कि जिसमें आपको रिवर्स चाहिए आपका नंबर, है ना। अभी रिवर्स कैसे आएगा, देखिए चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। कि आपने मान लीजिए इनपुट कराया 1, 2, 3 और आपको रिजल्ट मिल जाए 3, 2, 1, आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए क्या कर सकते हैं। एक सबसे पहले तो आपने क्या लिया होगा, अपने प्रोग्राम में एक नंबर लिया होगा। ठीक है, सबसे पहले तो क्या लिया होगा, अपने प्रोग्राम में एक नंबर लिया होगा यानी इनपुट कराया होगा। तो इन सबसे पहले आप समझ गए कि आपने एक वेरिएबल क्या ले लिया, नम नंबर का वेरिएबल ले लिया, जिसमें कि आपने क्या इनपुट कराया, 1, 2, 3 इनपुट कराएंगे तभी जाके आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आया ही होगा आपको। अब आपको कौन कौन से वेरिएबल्स और भी लेने होंगे वो धीरे धीरे आपको इसको सॉल्व करने पे समझ में आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए आप अगर इसे डिवाइड करते हैं 10 से, है ना, 10 से डिवाइड करा, यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ 1 आ गया, 23 यहाँ आया और यहाँ पे आपने फिर से 10 में दिया तो यहाँ 20 आ गया। कितनी बार आया, 2 बार आया। और ये क्या मिल गया आपको, रिमाइंडर मिल गया। ठीक है, और ये आपका जो भी भागफल रहता है, क्वेश्चंस रहता है, वो आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो रिमाइंडर आपको यहाँ मिल गया और ये आपका भागफल आपको यहाँ पे मिल गया। दो वैल्यूज़ आपको किससे पता चल रही है, कि इस वैल्यू में 10 का डिवाइड देने से पता चल रही है। तो एक आपने वेरिएबल देखा R नाम का, आपको वेरिएबल मिल गया जिसमें कि आपकी फर्स्ट वैल्यू कौन सी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, एक आपको मिल गई ये वैल्यू, ठीक है, 12 मिल गई। अब आप क्या करवाएंगे, जो भी आपकी यहाँ पे वैल्यू आई है 12, उसको वापस क्या करवाना पड़ेगा आपको, इसके लिए डिवाइड कराना पड़ेगा 10 से। ठीक है, 10 से कराया तो ये तो यहाँ तो 1 आ गया और रिमाइंडर कितना बचा आपका, 2। तो पहले रिमाइंडर में कितना आया था आपके पास, 3। अब कौन सी वैल्यू आई है आपके पास, 2 वैल्यू आई है। ठीक है, अब क्या रिमेनिंग बचा आपके पास, 1 रहा। 1 में अगर डिवाइड करवाते हैं हम 10 का तो यहाँ 0 आ गया और यहाँ पे भी 0 आ गया, रिमाइंडर कितना रहा हमारे पास, 1। तो देखिए रिमाइंडर की वैल्यू धीरे धीरे हमें मिलती जा रही है। ठीक है, आई होप इतना तो समझ में आया होगा कि अभी हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास डिजिट एंटर करवाई गई है, इनपुट करवाई है, उसका हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, केवल अभी डिवाइड कर रहे हैं, कोई और प्रोसेस हमने स्टार्ट अभी नहीं करी थी। ठीक है, डिवाइड कराने पर हमें यहाँ पे केवल अभी रिमाइंडर मिल रहा है, वो वैल्यू नहीं मिल रही है, ये नहीं मिली है अभी हमें, केवल रिमाइंडर मिला है। ठीक है, तो 2 तो आपको पता चल गया, नम और आर तो हमें मिल गया, एक हमें रिवर्स वैल्यू भी मिल रही होगी, मिलेगी कैसे, देखिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे रिवर्स का, जिसको हम स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करेंगे 0 से। ठीक है, अब आपको एक ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा जिससे कि रिवर्स में ऐसी वैल्यू चल जाए जिसके थ्रू आपको क्या मिल जाए, आपके प्रोग्राम में ये रिवर्स वैल्यू मिल जाए। तो रिवर्स वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करा, रिवर्स की जो वैल्यू थी उसको लिया, मल्टीप्लाई करवाएंगे उसे 100 से और प्लस करवा देंगे आपका जो भी आर की वैल्यू आई थी। ठीक है, आपको रिवर्स की वैल्यू निकलवानी है, कहीं ना कहीं मेमोरी में उसे लोकेशन करवाना है, ऐसा स्टोर करवाना है कि आपको रिवर्स में क्या रिजल्ट मिल जाए, 3, 2, 1 मिल जाए। ऐसा तो निकलेगा नहीं, इसको आपको मेमोरी में लोकेट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने एक रिवर्स नाम की वेरिएबल ले लिया। अब रिवर्स में वैल्यू कौन सी असाइन की जाएगी, देखिए सबसे पहले अभी हमने इनिशियलाइज कराया है रिवर्स को 0 से, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे प्लस आर की वैल्यू। सबसे पहले हमारी आर की वैल्यू क्या आई थी, 3 आई थी, तो वो वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। और इनका जो भी टोटल आएगा, है ना, वो हम किस में करवा देंगे, रिवर्स में करवा देंगे। देखो 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जानते 0 आएगा। अब 0 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, रिवर्स की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, तो जहाँ रिवर्स की वैल्यू पहले 0 थी वहाँ पे क्या आ गई आपके पास, 3 आ गई। अब ये तो एक ही बार का है, अभी हमें 2 रिमाइंडर और मिले थे हमारे डिवाइड करने पर, तो उनकी कैसे निकालेंगे। अब रिवर्स की वैल्यू कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आर की वैल्यू पहली वाली हो गई हमारी, दूसरी बची है तो हमने यहाँ पे क्या करवा दी, दूसरी वैल्यू प्रिंट करवा दी।
थ्री मल्टीप्लाई 100, 30 + 2 कितना आ गया हमारे पास, 32 आ गया। रिवर्स की वैल्यू अब कितनी हो गई हमारे पास, 32 हो गई। ठीक है, धीरे धीरे हमारे पास हमारा रिवर्स वैल्यू जो कि हमारा आउटपुट होना है वो प्रोग्राम के बारे में पता चलता जा रहा है। फिर हम वापस आए रिवर्स में, ये स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले जैसे आपने ये स्टेप फॉलो कर लिया तो आपको ये वाला फॉलो करना है, सेकंड ये कर लिया सेकंड ये करना है, देन थर्ड आपने जब इसको डिवाइड कर दिया तब आपको लास्ट वाला फॉलो करना है। मैंने तो आपको पहले समझाने के लिए इसको डिवाइड कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर रिवर्स की वैल्यू लेनी है। रिवर्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 32 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस आर की वैल्यू कितनी है लास्ट वाली हमारी 1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 320 प्लस 1 कितने हो गए, 321 हो गए। 321 हमारी क्या हो गई, रिवर्स की वैल्यू हो गई जो कि हमारा आउटपुट में हमें मिलेगी। और हमने इस वैल्यू को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। ठीक है, प्रिंट कितना हो गया, 321। अब आप देख सकते हैं हमने प्रिंट क्या, इनपुट तो क्या दिया था, 123 दिया था, और उसका हमें रिजल्ट क्या मिला है, 321। यानी इस तरह से अगर आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना होगा कि जिसमें रिवर्स की वैल्यू क्या आए, जो भी आपने वैल्यू दिया उसका उल्टा, इसी तरह अगर आप इसको भी करके देखेंगे इसी प्रोसेस के साथ कि पहले तो डिवाइड करेंगे, फिर इस रूल को फॉलो करेंगे, और फिर आप इस पूरे जब तक करेंगे जब तक कि यहाँ पे जीरो ना आ जाए। इस प्रोसेस को तब तक फॉलो करना है जब तक कि आपका यहाँ पे इक्वल जीरो ना आ जाए, जब तक कि आपका यहाँ पे भाग फल नंबर जो भी नंबर दिया गया है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तब तक आपकी प्रोसेस रन करेगी और लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, रिवर्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब उसकी एल्गोरिदम देखते हैं हम। हमने जो भी रिवर्स वाला प्रोग्राम बनाया था उसकी एल्गोरिदम देखी हमने। सबसे पहले क्या करा, हमने प्रोग्राम स्टार्ट करा। ठीक है, फिर हमने क्या करे, डिफाइन वेरिएबल्स करे, नम, रिवर्स, जीरो एंड आर। देखिए वापस करके देखते हैं इसको, है ना। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट करा, स्टार्ट के बाद क्या लिया हमने, एक वेरिएबल लिया नम का लिया, और उसके बाद हमने लिया एक रिवर्स का लिया, रिवर्स में जीरो रख दिया, और एक लिया है हमने आर नाम का, यानी जो हमें रिमाइंडर मिलेगा उसका। ठीक है, उसके बाद देखिए टेक इनपुट इन एन नम, यानी नम में हमें कोई ऐसा नंबर लेना होगा जिसका कि हमें रिवर्स निकालना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया, हम 123 दे दिया जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में दिया है। ठीक है, अब रिपीट स्टेप करना है 5 जब तक कि नम, नम में क्या लिखा हुआ है, 123 नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है किसके, जीरो के। यानी नम की वैल्यू या लूप तब तक चलेगा, ये एक वाइल लूप, जब तक कि नम में रखी गई वैल्यू जीरो ना हो जाए, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस में आपको बताया है। ठीक है, तो तब तक ये लूप वर्क करेगा, और लूप वर्क करने के लिए आपको क्या क्या करवाना है, सबसे पहले नम को डिवाइड करना है 10 से, फिर रिवर्स का करवाना है, रिवर्स में जो वैल्यू रखी जाएगी जीरो दी है उसको मल्टीप्लाई 10 प्लस आर करके रिवर्स में वैल्यू असाइन करवानी है, और फिर वापस क्या करना है, नम को डिवाइड करवाना है। यहाँ तो हम क्या करवा रहे हैं, रिमाइंडर ले रहे हैं हमारे आर का। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, डिवाइड करवा रहे हैं, और वो जा रही है नम में वैल्यू। और लास्ट में जब भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम क्या करवा देंगे, हमारा रिवर्स को प्रिंट करवा देंगे और हमारा प्रोग्राम हो जाएगा स्टॉप। चलिए अब इसको करके देखते हैं एक बार। ठीक है, 123 हमने लिख लिया कि हमें इस नंबर का रिवर्स चाहिए। स्टार्टिंग में हमने रिवर्स को जीरो दे दिया, आर हमने अभी कुछ भी नहीं दिया, हमें रिमाइंडर नहीं मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे तब तक जब तक कि हमारे नम में रखी गई वैल्यू नॉट इक्वल नहीं हो जाती किसके, जीरो के। ठीक है, जब तक कि हमारे नम में रखी गई वैल्यू नॉट इक्वल टू नहीं हो जाती जीरो के। अब देखिए सबसे पहले नम में कितना रखा हुआ है, 123 है। ठीक है, नॉट इक्वल टू अभी तो इक्वल है, इक्वल नहीं है ना, यानी जब तक ये इक्वल नहीं हो जाती जीरो के, अभी तो इक्वल नहीं है जीरो के। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे लूप के अंदर। तो सबसे पहले क्या करवाना है, हमें आर को करवाना है, क्या करवाना है, नम रिमाइंडर लेना है हमें, है ना, 10 से डिवाइड करना है। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमारे रिमाइंडर की वैल्यू चाहिए। अब देखिए नम में क्या दिया गया, हमने 123 दिया जैसा कि मैंने अभी डिवाइड करने पर दिया था आपको, इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो वही वैल्यू वापस रिपीट हो रही है ना, और हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, 3। तो सबसे पहले आर की वैल्यू क्या हो गई हमारे, यहाँ पे 3 हो गई। 3 होने के बाद सेकेंड स्टेप में बता रहा है हमें कि आर ई वी मल्टीप्लाई, है ना, रिवर्स की वैल्यू मल्टीप्लाई किससे होगी, 10 से प्लस आर। ठीक है, वो किस में चल जाएगी, आपके रिवर्स में चल जाएगी। अब रिवर्स में कितनी है आपकी, 0, 10 से करा, आर की वैल्यू कितनी आपको दिख रही है, 3 दिख रही है, और ये हमारा कितना हो गया, जैसा कि अभी हमने करा था यहाँ पे 3 हो गया, यानी रिवर्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई, वो हम कहाँ साइन हो जाएगी, आपके रिवर्स वाले उसमें। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। सेकेंड आते हैं, उसके बाद बता रहा है कि हमें क्या करना है, नम को डिवाइड करना है 10 से। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ही चल रहा है हमारा, है ना, नम को डिवाइड करना है। अब नम कितना है हमारा, 123 है, इसको डिवाइड करेंगे 10 से,
ठीक है। तो अब हमारा क्या बचा कोटेशंस, हमारे नम की वैल्यू कितनी रह गई, 1, 2। अब हम करेंगे यहाँ पे सेकंड स्टेप, 12 को करेंगे हम 10 से डिवाइड, ठीक है। 10 से डिवाइड करा 1, रिमाइंडर कितना बचा, 2। अब रिमाइंडर की वैल्यू कितनी असाइन कर देंगे हम, यहाँ पे पहले 3 थी वो हमने कर दी 2, ठीक है। 2 करने के बाद वापस हम इस कंडीशन को चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या बता रहा था, आर ई वी की वैल्यू लेनी है। आर ई वी कितनी है, रिवर्स की वैल्यू हमारी 3 है, 3 हमने यहाँ पे ले ली, मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस आर ई आर की वैल्यू, रिमाइंडर कितना है हमारा 2 है जो कि हमने यहाँ साइन कर दिया था वो लिख दिया। अब हमारे पास रिवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 32, तो हमने क्या साइन करवा दी हमारे रिवर्स की वैल्यू 32, ठीक है। अब 32 के बाद हमें वापस क्या करवाना है, हमारे नम को डिवाइड करवाना है, नम की वैल्यू कितनी है हमारे, ठीक है, 1, 2 थी, ठीक है, इसके बाद 1, 2 हो गई थी और अब रह जाएगी 1, है ना। अभी अगर आते हैं हम 1, 2 से इसको डिवाइड, ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला हमें, 2 मिल गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सॉरी, ठीक है, अब हमें क्या कराना था, हमें नम को वापस डिवाइड कराना था, नम को डिवाइड कराया हमने यहाँ से पे 10 से, तो 2 तो हमारा रिमाइंडर रहा, बट हमारा यहाँ पे कितनी वैल्यू मिली हमें, 1 मिला, ठीक है। तो अब नम की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1 हो गई। अब वापस आते हैं हमारे यहाँ पे थर्ड में वापस, अब क्या कराना था हमें, आर की वैल्यू लेनी है, आर की वैल्यू किससे मिलेगी, 1 का रिमाइंडर करने पर, ठीक है, किससे कराएंगे, 10 से, 1 का रिमाइंडर कर लेना है हमें 10 से, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, रिमाइंडर कितना मिला हमें, 1, आर की वैल्यू रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 1। कंडीशन चलती जा रही है, वाइल लूप हमारा चलता जा रहा है और ये तब तक चलता जा रहा है जब तक कि यहाँ पे नम की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है ना। अब यहाँ पे गए हम इसी में 32, 10 प्लस आर की वैल्यू हमारी 1 है, ठीक है, तो वही 320 प्लस 1 हमारा 321, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, रिवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, 321 हो गई। अब कंडीशन चेक करने के लिए वापस क्या करेंगे, नम की कितनी वैल्यू हमारे, 1 है, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक है, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, 0 आ जाएगा, देखिए 0 ही हमारा यहीं पे आ गया। तो जब यहाँ पे हमारा नम की वैल्यू चेक की गई 10 से डिवाइड करने पर, 0 आ ही रहा है, ठीक है, तो जैसे कंडीशन नॉट इक्वल टू इक्वल हो गई 0 के, तो अब क्या चल करेगा, ये लूप को वर्क नहीं करेगा, लूप पे वापस नहीं जाएगा जो भी हमारी प्रोसेस थी, और क्या कर देगा, हमारा प्रिंट करवा देगा 321, जैसा कि हमने हमारे एल्गोरिदम्स में लिख रखा है। ये कंडीशन तब तक चलेगी जब तक कि नम की वैल्यू इसके इक्वल नहीं हो जाती, जैसे ही 0 की इक्वल हो जाएगी ये इस स्टेटमेंट को ना देखकर अपने पास वाले स्टेटमेंट को देखेगा और प्रोग्राम को कर देगा स्टॉप। अब इसका फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं हम, ठीक है। फ्लो चार्ट हमने स्टार्ट करा, डिफाइन करे वेरिएबल्स, नम लिया, आर लिया, आर ई वी लिया, इक्वल्स टू 0 कर दिया आर ई वी को, नम की वैल्यू इनपुट कराई जैसे कि 1, 2, 3 फॉर एग्जांपल, फिर हमने कंडीशन चेक करी और कंडीशन तब तक चेक करी जब तक कि नम की वैल्यू जो हमने यहाँ पे दी थी वो नॉट इक्वल्स टू 0 के इक्वल नहीं हो गई थी, कंडीशन ट्रू हुई यानी नॉट इक्वल थी, है ना, तब तक तो हमारा ये पूरी प्रोसेस वर्क करी। जैसे ही हमारी नम की वैल्यू 0 के इक्वल हुई, कंडीशन फॉल्स होते ही यहाँ पे आके रिवर्स आके सॉरी यहाँ पे इसने क्या करवा दिया, कंडीशन फॉल्स होते ही जो भी रिवर्स में वैल्यू थी उसको प्रिंट करवा दिया और प्रोग्राम को स्टॉप करा दिया। जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक तो लूप कंटिन्यूसली चलता रहता है, जैसे कंडीशन फॉल्स होती है हमारा इस स्टेटमेंट को ना चेक करके ये किसको चेक करता है, हमारा जो भी हमें इससे नेक्स्ट स्टेप को प्रिंट करवाना होता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो में रिवर्सिंग डिजिट वाले इंटीजर्स का प्रोग्राम, उसकी एल्गोरिदम और उसका फ्लो चार्ट बनाना आ गया होगा। तो आपको अपने घरों में डेली इनकी प्रैक्टिस करनी है, सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने घरों में इस पर डेली प्रैक्टिस करिए ताकि आगे जब आप प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करें तो आपको इसमें इश्यूज नहीं आए, दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।